हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट और टेस्टी वे में लेके आई हूँ मैक्रोनी की रेसिपी, जो कि हर किसी की ऑलमोस्ट फेवरेट ही होती है। बच्चों से लेके बड़े तक इसको अगर ब्रेकफास्ट में ले ले या डिनर में ले ले तो ये सबको अच्छी लगती ही है। साथ ही साथ इसका जो टेस्ट होता है ना, उसको और अच्छी तरीके से एनहेंस करने के लिए मैंने जो मेथड आपके संग शेयर किया है ना, ये आपको सचमुच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये जो वेज मैक्रोनी की रेसिपी है ना, इसको आप प्लीज जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इसको देखने के बाद इस रेसिपी से प्यार हो जाएगा। वेज मैक्रोनी की रेसिपी देखने के लिए आप प्लीज एंड तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 100 ml ल्यूक वॉर्म मिल्क। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, फिर इसमें मैं डाल रही हूँ ये 2 क्यूब्स जितना ग्रेट करा हुआ चीज। तो 2 क्यूब मैंने चीज लिए थे जो कि ब्लॉक में आते हैं, तो मैंने उसको ग्रेट करके लिया है। आप यहाँ पे चीज शीट का यूज कर सकते हैं, वो भी 2 शीट। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम ढक के साइड रख देंगे। तब तक हम तैयारी करते हैं अपनी मैक्रोनी बनाने की। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच जितना कुकिंग ऑयल। आप अगर बटर में पसंद करते हैं मैक्रोनी बनाना तो आप बटर भी ले सकते हैं कम्प्लीटली, लेकिन मैं ऑयल के साथ 1 टेबल स्पून जितना बटर लेना पसंद करती हूँ। तो जैसे ही ये दोनों अच्छे से मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, फिर इसमें हम डालेंगे 2 से 3 लहसुन की कली जिसे मैंने बारीक चॉप करा है, और 1 हरी मिर्च। इसको मैं फुल फ्लेम पे अच्छे से 1 मिनट के लिए सौते करूंगी, और इसे बिल्कुल भी चलाना नहीं है, ना ही इसे कम्प्लीटली कलर चेंज होने तक इसे चलाना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है डाइस कट में, और इसे भी मैं 1 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे अच्छे से सौते करूंगी। हमारी जो ये मैक्रोनी है ये इंस्टेंट है, तो इसके लिए फुल फ्लेम आपकी शुरू से लेके एंड तक बनी रहेगी, तो ये जो रेसिपी है ना वो झटपट बनेगी। जैसे ही प्याज को हम 1 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेंगे, फिर इसमें डालेंगे 1 छोटे साइज का गाजर जिसे मैंने बिल्कुल बारीक टाइनी चॉप कर लिया है, क्योंकि गाजर बहुत देर लगाता है पकने के लिए, तो इसे आप 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से चला लें। फिर इसमें डाल दें आप यहाँ पे 3 तरीके की शिमला मिर्च, येलो, ग्रीन और रेड बेल पेपर, तो इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और इसको भी मैं अच्छे से 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे सौते कर लूंगी। इसका क्रंच बनाए रखने के लिए आपको इसको धीमी आंच पे नहीं पकाना है। फिर इसमें मैं डालूंगी ये 1/2 टीस्पून जितना ओरिगेनो, जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। थोड़ा सा 1 टीस्पून मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स, और इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें मिला लेंगे। फ्लेम यहाँ पे अभी भी मैंने हाई ही रखी, तो अब इसे मैंने मिला दिया है। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये हमारा मिल्क वाला जो मिक्सचर है, इसके टाइम में मैंने थोड़ी सी फ्लेम धीमी कर ली है, कहीं ये जल ना जाए इसलिए। तो अब फ्लेम को मैं हाई कर रही हूँ और अच्छे से इसको चला लूंगी। तो देखिए हमारी जो चीज है, अगर इसमें पूरी तरह से मेल्ट नहीं भी हुई है तो हमारी इस स्टेज पे ये जरूर पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। तो अच्छे से इसे चलाने के बाद अब इसमें डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून जितना रेड चिली सॉस और 1 टेबल स्पून जितना ये टोमेटो केचप, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए, या जब तक इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल थिक सी ना हो जाए। आप यहाँ पर टर्मरिक पाउडर का यूज ना करें, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल स्टेप में। तो आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका जो ये मैक्रोनी है ना बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 बड़ा बाउल भर के जितना मैक्रोनी। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी को पहले से ही बॉईल करके इसमें हल्का सा ऑयल लगा के रख दिया था, जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं। तो ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करना जरूरी है। फ्लेम को बिल्कुल फुल रख के इसको हम चलाएंगे मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के लिए, इससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितनी ये कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुटी हुई लाल मिर्च पसंद है तो इसकी जगह आप चिली फ्लेक्स और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, लेकिन कुटी हुई लाल मिर्च से इसके अंदर जो सिजलिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसे चला लिया है फुल फ्लेम पे, और हमारी ये इंस्टेंट वाली मैक्रोनी तो बनके तैयार हो चुकी है। लॉट्स ऑफ वेजीज से भरपूर हमारी ये मैक्रोनी है तैयार। इसे आप सर्व कीजिए गर्मा गर्म, और बच्चों को तो ये जरूर खिलाइए, क्योंकि उनकी ये फेवरेट होती है। इवन घर में छोटे से लेके बड़े तक की ये मैक्रोनी तो फेवरेट होती ही है। ये जो स्टेप है, जो ये तरीका है मैक्रोनी बनाने का, ये इंस्टेंट भी है, साथ ही खाने में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और टेम्पटिंग लगती है। मैं इसको ऊपर से चीज ग्रेट करके डाल रही हूँ, जिससे कि बच्चों को तो इसको देखते ही प्यार हो जाए और उनकी प्लेट बिल्कुल सफासट हो जाए। तो ये मैक्रोनी की रेसिपी आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। आप इसे एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, और अपने अनुभव आशुसुम किचन के साथ शेयर करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इस मैक्रोनी को एंजॉय कीजिए। अपने फीडबैक आशुसुम किचन के साथ शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदा दिली बनाए रखिए, और जुड़े रहिए आशुसुम किचन से। बाय बाय।